वी हैव डन वन सैम्पल थी टेस्ट एंड इंडिपेंडेंट साम्पल थी टेस्ट नाउ द थर्ड काइंड इज रिपीटिड मेयर टी टेस्ट और मैथ ग्रुप टी टेस्ट इसको कहते हैं विद इन सब्जेक्ट भी कहते हैं सो रिपीटड मेयर टी टेस्ट में या रिपीटेड मेयर डिज़ाइंस में विच इज़ अ विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन इज़ वन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मयर टू और मोर टाइम्स फॉर ईच इंडिविजुअल इन अ सिंगल साम्पल यानी अब बजाय ग्रुप वन और ग्रूप टू लेने के हम एक साम्पल को एट टाइम वन टाइम टू असेस करते हैं और फिर उसकी हम uh, देखते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस हैं साइकोलॉजी में जब हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज रन करते हैं तो यूजुअली हम प्री टेस्टिंग करते हैं और फिर पोस्ट टेस्टिंग करते हैं इस तरह थेरोप्यूटिक इंटरवेंशन में भी कोई भी थेरेपी देने से पहले वी डू प्री टेस्टिंग एंड देन पोस्ट टेस्टिंग सो दे आर मेनी काइंड ऑफ सिचुएशंस वेयर वी हैव टू टेस्ट द सेम पार्टिसिपेंट्स एट टाइम वन एंड टाइम टू जैसे मैं यूजली अपनी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स uh, का मोटिवेशन लेवल चेक करती हूँ जब वो एंटर होते हैं सेमेस्टर में और फिर बाय एंड ऑफ द सेमेस्टर उनका मोटिवेशन चेक करती हूँ कि वो कहाँ गया इसी तरह हम बहुत से वेरिएबल्स को टाइम वन टाइम टू के ऊपर मेयर करके असेस कर सकते हैं कि किसी भी इंटरवेंशन टेक्निक या फिर uh, किसी भी ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट आया हुआ है सो इन रिपीटेड मेयर डिज़ाइन और इन विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन वी मेयर द सेम पार्टिसिपेंट्स टू और मोर टाइम्स रिपीटेड मई यजाइन दिस अप्रोच इज ऑल्सो यूज वैन यू हैव मैच्ड पेयर पेयर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स जैसे आप ग्रुप्स को मैच भी कर लेते हैं जैसे फॉर विद एज आपका जेंडर आपका एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया मसा आप आई क्यू के ऊपर आप किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर सब्जेक्ट्स को मैच करके फिर भी आप उनको यूज़ uh, कर सकते हैं तो हम उसको मैच ग्रुप डिज़ाइन भी कहते हैं वन ऑफ द पेयर इज़ एक्सपोज टू इंटरवेंशन एंड द अदर पेयर इज एक्सपोज टू इंटरवेंशन टू जैसे अगर मैच ग्रूप डिज़ाइन है और मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट बिल्कुल एक ही तरह के आई क्यू के और एक ही जेंडर के एक ही एज के बच्चे लिए हैं ताकि मैं बाकी एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकूँ तो उनको मैंने एक को ट्रीटमेंट वन दी है और एक को ट्रीटमेंट टू दी है एंड आई वॉन्ट टू सी क्यू वॉट इज द डिफरेंस द टी स्टिस्टिक्स फॉर आर रिपीट मे डिज़ाइन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर फॉर अदर टी स्टिस्टिक सो स्ट्रक्चरली ये वही है जैसा हम पहले मीन वन माइनस मीन टू करते थे जैसे अभी हमने इंडिपेंडेंट में बॉयज़ और गर्ल्स को कंपेयर किया है रिपीटेड मेयर के अंदर हम टाइम वन और टाइम टू को करते हैं लेकिन इसके अंदर हम रॉ स्कोर लेने के बजाय हम डिफ्रेंस लेते हैं कि टाइम वन के ऊपर जो था के स्कोर था और टाइम टू के ऊपर स्कोर था एक्चुअली उनके दरमियान डिफरेंस कितना है सो फर्स्ट स्टेप रिपीटेड मेयर का या मैच ग्रुप डिज़ाइन का कि हम उसका टाइम वन और टाइम टू के अंदर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं स्कोर्स का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर टिपिकली द डिफरेंस स्कोर्स आर ओपटेन बाय सैक्टिंग द फर्स्ट स्कोर यानी बिफोर ट्रीटमेंट फ्रॉम द स्कोर सेकेंड टाइम स्कोर यानी आफ्टर ट्रीटमेंट फॉर ईच पर्सन और हम उसको मीन टू माइनस मीन वन करके डी स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं हाइपोथिस फॉर रिपीटेड में यह टीटर्स क्या होगा कि नाला हाइपोथिस वुड स्टेट कि जो डिफरेंस है टाइम वन और टाइम टू के अंदर That is equal to zero. So uh, time one minus time two difference yoga uh, mean difference, which we denote as independent sample, ka that mu one would be equal to mu two. Similarly, for repeated measure, we will claim that the mean difference is zero. The alternative hypothesis states that there is a treatment effect that causes the scores in one treatment condition to be systematically higher or lower. द स्कोर्स इन द अदर कंडीशन सो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा कि मेन डिफरेंसिस नॉट इक्वल टू ज़ीरो यानी ट्रीटमेंट के बाद के जो स्कोर्स हैं वो मे बी ग्रेटर होंगे एज़ कंपेयर टू वन और इसमें भी बिल्कुल वैसे ही जब से हमने इंडिपेंडेंट सैम्पल के लिए कैलकुलेट किया था मोर लेस वैसे ही करते हैं टी की वैल्यू हमारी आ, जैसा हमने कहा था कि ये पॉपुलेशन का डिफ्रेंस है यूजली हमारे पास नहीं होता तो हम इसको इग्नोर करके सिर्फ यही वाली वैल्यू रिपोर्ट करते हैं कि मेन डिफरेंस दोनों ग्रुप्स में टाइम वन और टाइम टू में कितना है और उसके बाद उसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेन डिफरेंस के साथ हम डिवाइड करते हैं टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर बिल्कुल उसी तरह पहला स्टेप है कि आप उसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्डविएशन कैलकुलेट करते हैं या फिर आप वेरियंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसको आप इसके फार्मूला में पुट करते हैं तो अगर आपने एस कैलकुलेट किया है तो यूजली आप स्टैंडर्ड एरर इस तरह से निकालेंगे लेकिन अगर आपने एस स्क्वायर कैलकुलेट किया विच इज़ इक्वल टू एस एस ओवर एन माइनस वन तो फिर आप उसमें ये वाला स्टैंडर्ड एरर के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये हमने पहले भी किया हुआ है मैनुअली हम करके देखते हैं और फिर हम उसको एस पी एस एस में रन करके देखते हैं सो हेर इज़ एन एग्ज़ाम्पल प्लीज़ नोट कि मैंने जितनी भी एग्जाम्पल्स और यहाँ पर मटीरियल यूज़ किया वो आपकी टेक्स्ट बुक जो मैंने आपको डे वन पर रिकमेंड की है सारी एग्जांपल्स, मोस्ट ऑफ द कंटेंट और जो हमने आउटलाइन फॉलो की है वो आपकी उसी टेक्स्ट बुक को हमने फॉलो किया है आई एम शोर कि यू हैव द कॉपी। आई विल ऑल्सो लीव सॉफ्ट कॉपी फॉर यू पीपल हियर सो हेयर एग्जाम्पल अ मेजर ऑयल कंपनी वुड लाइक टू इम्प्रूव इट्स टानिस्ट इमेज फॉलोइंग अ लार्ज ऑयल स्पिल Its marketing department develops a short television commercial and tests it on a sample of N7. So, information we have N size? Participants, uh, seven participants. People's attitude about the company were, are made with a short questionnaire both before and after viewing the commercial. So, uh, the data gives. मेन डिफरेंस ऑफ थ्री सो उन्होंने आपको ऑलरेडी मेन डिफरेंस कैलकुलेट करके दे दिया यानी टाइम वन पे उनका कंपनी इमेज कैसा था एंड आफ्टर वॉचिंग द कमर्शियल कंपनी इमेज कैसा था उसका मेन डिफरेंस इज थ्री एंड द एस एस यानी स्टैंड सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू सेवेंटी फोर यानि ये समयर्स का मतलब है कि आपको एक्स माइनस मेन स्क्वायर ये वैल्यू दी हुई है यानी हर एक्स में से मीन डिफरेंस माइनस किया हुआ है तो वो आपका 74 है वॉज देयर आ सिग्निफिकेंट चेंज सो फर्स्ट लेट्स डू इट मैनुअली एंड कैलकुलेटेड हेयर हमारे पास एन साइज गिवन है हमारे पास एस एस गिवन है एन हमारे पास सिक्स है और हमारे पास आपका एस एस दिया हुआ है विच इज़ सेवेंटी फोर और आपके पास मेन डिफरेंस दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू थ्री तो हमारी डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम इसकी हो गई एन माइनस सॉरी सेवन दिया हुआ है आपको एन जो हमारा सेवन है डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम हमारी सिक्स बन जाएंगी एन माइनस वन इज़ इक्वल टू सिक्स उसके बाद हमने टी की क्रिटिकल वैल्यू देखनी है आपकी टी की क्रिटिकल वैल्यू एट सिक्स डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम एंड एल्फा पॉइंट ज़ीरो फाइव टू टेल टेस्ट आपकी जो वैल्यू टेबल में अगर आप देखें टू टेल्ट के ऊपर अल्फा पॉइंट जीरो फाइव सिक्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे दैट इज़ प्लस माइनस टू पॉइंट फोर फोर सेवन यू कैन गो बैक एंड कंसल्ट द टेबल टी का जो हमने पहले बताया था सो दिस इज़ एक्चुअली द क्रिटिकल वैल्यू और इसके साथ अब हमने कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करना है सो कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए सबसे पहले आप वेरियंस कैलकुलेट कर लेंगे और वेरियंस इज इक्वल टू एस स्क्वायर वेरियंस हम कैलकुलेट कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू एस एस ओवर एन माइनस वन एस एस आपका दिया हुआ है सेवेंटी फोर एन माइनस वन इज सिक्स इट इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट थ्री थ्री सो दिस इज एक्चुअली वेरियंस राइट सो इसका हम अंडर रूट अगर ले लें ले, तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा अब हमने सेकेंड स्टेप पे स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करनी है तो स्टैंडर्ड एरर कैल्कुलेट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने वेरियंस डिवाइडेड बाय एन अब यहाँ एन माइनस वन नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमने कर लिया है तो वेरियंस डिवाइडेड बाय एन करके uh, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है हमने वेरियंस ट्वेल्व पॉइंट थ्री थ्री निकाला है एन हमारा सेवन है इसका अंडर उठ लेंगे प्लीज़ गेट योर कैलकुलेटर सॉल्व इट आंसर विल बी वन पॉइंट थ्री थ्री आई सॉल्व इट उसके बाद हमने ठीक की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है और ठीक है कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए हम करेंगे मीन डिफरेंस जिसको कि हम एम डी के साथ डिनोट कर सकते हैं एंड डिवाइड हम करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिफरेंस के साथ मीन डिफरेंस हमें तीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड एरर ऑलरेडी हमने 1.33 कैलकुलेट कर ली है अब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.26 सो दिस इज़ कैलकुलेटेड वैल्यू आई एम श्योर कि अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं 2.26 को किसके साथ भला यस yes, टू के साथ 447 के साथ सो so, हमारी टी एट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिक्स इज़ इक्वल टू 2.26 पॉइंट टू सिक्स विच इज़ स्मॉलर दैन टी कैलकुलेटेड जो हमारी टी टेबल है विच इज़ टू पॉइंट फोर फोर सेवन सो अगर हमारी स्मॉलर है वैल्यू तो हमारा नल हाइपोथेसिस हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है नॉट uh, सिग्निफिकेंट और अगर रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है तो वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथिस फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथिस ठीक है सो so, हमारा नल हाइपोथसिस क्या था अभी हमने बताया कि नल हाइपोथसिस आपका होगा कि जो मेन डिफ्रेंस है वो जीरो होगा और हम ना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि मीन डिफरेंस जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा तो इस सूरत में व्हेन द कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ स्मॉलर देन द टेबल वैल्यू हमारे रिजल्ट्स इनसिग्निफिकेंट होंगे क्यों क्योंकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे एक्सेप्टेंस रीजन में करेंगे सो हमारी वैल्यू टू पॉइंट फोर फोर सेवन थी क्रिटिकल यहाँ पे अगर वो इससे बड़ी होती तो वो इस क्रिटिकल रीजन में फॉल करती लेकिन अभी हमारी वैल्यू इस रीजन में आ रही है सो Results are not significant. This is how we will calculate repeated mayor design.